तो उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी 22,000 सीटें जोड़ने की मांग कर रहे हैं। आज भी लखनऊ के SCERT कार्यालय पर तमाम अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। ये कोई पहली बार नहीं है जब इन अभ्यर्थियों ने SCERT कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है। इससे पहले भी कई बार ये लोग SCERT कार्यालय पर आकर धरना दे चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इसका असर सरकार पर जरा सा भी नहीं पड़ रहा है। इससे पहले भी आपने देखा था कि तमाम अभ्यर्थियों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया था और 22,000 सीटें जोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार पर असर नहीं पड़ा, ना अब भी पड़ रहा है। इन सभी अभ्यर्थियों की उम्मीद है कि चुनाव का समय है तो जरूर सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी और 22,000 सीटें भी सरकार जोड़ेगी। आज महा आंदोलन है, 75 जनपदों से आपके साथी जमा हुए हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पे सरकार से? देखिए, आज हम लोग 75 जिले से आए हैं। सरकार से हम यही कहना चाह रहे हैं कि क्या मजबूरी है सरकार की कि 1,37,000 में जो पद बचे हुए हैं, 22-23,000 है, उसको जोड़ने में क्या दिक्कत है? आपके मानक के अनुसार 90-97 लड़के पास भी हैं, योग्यताधारी हैं, उनको जोड़ के उनकी नियुक्ति दे, विद्यालय में आए। 104 दिन हो गए धरने के, कैसे वहाँ शिक्षा मारी हैं जो कि 52-55 दिन से टंकी पर बैठी हैं, उनके परिवार वाले क्या सोच रहे हैं, उनके नाते रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं, उनको सरकार को एक कम से कम सुनो कि ये यहाँ बोलते हैं कि नारी पढ़ाओ नारी बचाओ, ये सब जो चलाए हुए हैं कार्यक्रम, हमारी शिक्षा दीदी ऐसे बैठी हुई क्या संवेदनशील, ये सरकार को ये सोचना चाहिए। हम लोग कोई ऐसे नहीं, हम लोग 90-97 पास हैं, हम लोग की सिर्फ मांग है कि 1,37,000 जो पर बचे हुए हैं उसको ये तो अभ्यर्थियों से भरा जाए, बस यही हम लोग की मांग है। लेकिन सरकार की क्या ऐसी मजबूरी है कि अभी तक हम लोग को कोई सुध नहीं ले रही है? 104 दिन हो गए, 5 दिन हो गए हम लोग ऐसे बचे, एक टाइम भोजन करते हैं और दिन भर हम ऐसे पड़े रहते, भाइयों के सहयोग से हम लोग शाम को खाना खाते हैं। सरकार को कम से कम ये देखना चाहिए क्या ऐसी मजदूरी हम लोग पड़े हैं। हम लोग योग्य हैं, सरकार से बार बार विनय कर रहे हैं कि हम लोग योग्य अभ्यर्थी हैं, हम लोग विद्यालय जाना चाह रहे हैं, हम लोग जो है अच्छे नंबर से पास है, 110-115 नंबर से पास है, इसलिए मैं बार बार अनुरोध विनय करता हूँ सरकार से। सरकार क्या भर्ती टालना चाह रही है ऐसा लगता है? सर, अगर सरकार से कोई कदम उठाती है तो सर हम लोग अन्याय होगा। हम लोग 2022 का इलेक्शन जो होने वाला है उसको हम दिखा देंगे। 22 नहीं, ये 22 लाख हम लोग हैं। सरकार ऐसा ना सोचे कि हम 22,000, हम 22 लाख लोग हैं। इसलिए मैं यही चाहता हूँ, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं यही चाह रहा हूँ कि हम लोग भर्ती हूँ, मैं जो 22,000 सीटें जुड़ी जाएं और सरकार हम लोग के साथ न्याय करे और हम लोग 2022 में सरकार को जैसे सरकार हम लोग इससे अच्छे वोट दे के विजय बनाएंगे और गति पे खुल जाए। सरकार का आज आह्वान हुआ है, बड़ी संख्या में लोग जमा है आपके साथी, क्या कहेंगे? महाआह्वान का, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे लगभग 4 महीने आज कंप्लीट हो गया, तो सरकार से मैं यही कहूँगा कि आगे के बारे में सोचे। अगर आज हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो 12 से 1 बजे तक वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी वाली करेंगे। हाँ। क्योंकि आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। हाँ। आज 4 महीना कंप्लीट हो गया, हमारे जितनी भाई बहन है सब लोग परेशान हैं, हम खुद यहाँ 4 महीना हो गया, खाने पीने हर तरह की प्रॉब्लम होती है, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, मेरी माँ बीमार है, फिर भी मैं यहाँ डटा हूँ क्योंकि हम लोग की लीगल मांग है। अगर गवर्नमेंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नहीं सुनते हैं तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा 2022 में, और हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यहाँ अभी हमारे शिखापाल हैं, उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि परेशान, उनके पैर में स्वेलिंग हो गई है, पता है वो किसी घर की बहू बेटी नहीं है, जो भी है जो अपनी लीगल मांग करना कोई बुरी बात है? योग्यता हम लोग के पास सब कुछ है, एक जितना क्राइटेरिया था उतना हम लोग क्वालिफाई किए, अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए? जब 1,37,000 का जो पार्ट है 22,000 उसको पूरा करने में क्या दिक्कत है? इलीगल तो हम लोग कहीं से फ्री में मांग नहीं रहे हैं, 1,37,000 का पार्ट है, पूरा करके हम लोग चले जाएंगे, अगर नहीं पूरा करेगी तो हम लोग अब तांडव करेंगे 1 बजे के बाद। इससे सम्मान करो, योगी जी हम योग्य हैं।